ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फेज 4 की लास्ट मूवी, तो आपको कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी मूवी है जो बहुत सारे बर्डन को लेकर चल रही है। फैंस की एक्सपेक्टेशन, चैडविक बोसमैन एज त्चाला की लेगेसी को कंटिन्यू करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक ऐसी मूवी का सीक्वल है जिसमें ना ही कोई हीरो है ना ही कोई विलन, जिसका हर एक डायलॉग आपको घुसबम देता है एंड इसकी कहानी आपका दिल चीर देती है। आप इसे कैरेक्टर कहानी एंड कल्चर से कनेक्ट कर पाते हो, आप इसके वर्ल्ड में पूरे घुल जाते हो। तो चलिए जानते हैं मूवी से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, एंड हाँ कोई टेंशन मत लें क्योंकि मोस्ट मैच्योर चैनल का मोस्ट मैच्योर होस्ट अभिजीत है, कोई स्पॉइलर नहीं देगा। मैंने ट्रेलर के बाद कोई भी टीवी स्पॉट नहीं देखा, मूवी से कोई रिव्यू नहीं सुने हैं, मतलब एकदम फ्री के होके देखो, बिना टेंशन मुक्त होकर देखो, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं। एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगे लास्ट देख लेना, उसके बाद सब्सक्राइब करना हो, लाइक करना हो, गाइल जो करना हो करना, लेकिन लास्ट प्लीज देख। पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर मूवी हमें क्यों पसंद है, क्योंकि उस मूवी में कोई विलन या हीरो नहीं है, क्योंकि दोनों के सोचने का तरीका जीने का तरीका अलग है। एक अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता है तो एक उन बातों को सही करना चाहता है, आई मीन उन प्रॉब्लम को सही करना चाहता है जो उसने खुद महसूस किया है, जो उसने अनजस्टिस अपने जैसे लोगों के साथ होते हुए देखा है, वो उन बातों को सुधारना चाहता है। तो हम कर सकते हैं कि इस मूवी में ना ही कोई विलन होगा ना ही कोई हीरो, दोनों लड़ रहे हैं तो सिर्फ अपने नजरिए को लेके, अपने पर्सपेक्टिव को लेके, एंड दोनों में से एक रास्ता सही होगा तो एक रास्ता गलत। मूवी में आपको बिट्रेल जरूर देखने को मिलेगा, इसी के साथ चैडविक बोसमैन एज त्चाला की लेगेसी को आगे ले जाते हैं, उनके फ्यूनरल को दिखाया जाएगा। मूवी से आप ग्रेटर देन लाइफ कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया वाले जबरदस्त वाले एक्शन सेट पीसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक नहीं बहुत सारे एक्शन सेट पीसेस आपको मूवी में देखने को मिलेंगे। वकांडा एंड उसके कल्चर को और ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा, किंगडम एक माँ के लॉस को दिखाया जाएगा, एक इमोशनल टच दिखाई जाएगी, किंगडम कैसा फील करता है उसके राजा होने के बाद, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। एंड हाँ, ये कहानी किस टाइमलाइन के सिचुएट अगर ये आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में और यहाँ पे अगल बगल एक लिंक दे दूंगा, वो शॉर्ट्स एकदम मस्त कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, लेकिन आपको अपने थॉट उस शॉर्ट को देखकर जरूर बताइए। इन शॉर्ट बोल दो आप मूवी एक सीरियस वाली स्टोरी लाइन से करना, हाँ मूवी सीरियस होने वाली, क्योंकि जिस तरह से कहानी अगर इसके साथ वो लव एंड थंडर वाला हाल करते तो लोग नोच खाएंगे पिक्चर को, क्योंकि जो इसमें कहानी होने वाली है ऐसे राज एक माइटी राज की कहानी दिखाई जिसने अपने राजा को खोया, उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का प्रेशर है, सारे लोग चाहते हैं उसके भाई बहन उसके रिसोर्सेज को छीनना, एंड वो उन सारी चीजों से अपने इमोशन को दबा रहे, उन लोगों से लड़ते हुए अपने रिसोर्स को बचाना है, उसे अपने लोगों को बचाना है, अपने आप को बचाना है, ताकि जो उसका राजा करना चाहता था वो उस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए, वो अपने राज्य को बचा पाए, अपने लोगों को बचा पाए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ऐसी चीजें उनके हाथ से ना निकल जाए जो कि दुनिया को तबाह कर। इसी के साथ ये पहली मूवी होने वाली इंडगेम के बाद जिसका रन टाइम 1 घंटा 41 मिनट है, यानी कि 2 घंटे ज्यादा, ये पहली मूवी है इंडगेम के बाद जो कि 2 घंटा क्रॉस कर रही है अपने वाट टाइम में। तो मूवी बड़ी भी है, सीरियस स्टोरी लाइन देगी, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देगी, ग्रेटर देन लाइफ कैरेक्टर देगी, तब भी मैं स्केप्टिकल हूँ कहानी को लेकर, क्योंकि जो मार्वल ने अभी हाल किया कुछ 6-7 महीनों से वो देख के बहुत ज्यादा स्केप्टिकल। एंड पहले मार्वल की मूवीज हमारे लिए सेलिब्रेशन होती थी, क्योंकि मार्वल की मूवी साल में 1-3 बार मैक्स में आ जाती, लेकिन आजकल महीने के हफ्ते पे कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता है, वो मार भी ना अभी मार्क नहीं होता जिसका नाम से सेलिब्रेट करो, वो जस्ट आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, लेकिन मार्वल के लिए अलग दिल में जगह है, अगर मार्वल ने वकांडा फॉरएवर फिर से वैसा हमें चाम वापस दे रहे जिसके लिए हम मार्वल को पसंद करते हैं, अगर वो देखने को फिर से मिल जाता है भाई मैं इन हूं, एंड फिर दोबारा ऐसा नहीं मिलेगा, मैं कैप्टन हूं मार्वल की मूवीज को लेकर। तो एट लास्ट मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, उम्मीद इतनी ही रखो जितनी तुम्हें लगे कि रखनी चाहिए, ठीक है, बोलने में मत जाओ कि भाई तुम उम्मीद इतनी लगो भाई मूवी बहुत अच्छी होगी तो मूवी बहुत बेकार होगी, किसी एक बोलने पे मत जाओ, हमारी उम्मीद तुम्हारे सोच पे, पर्सपेक्टिव पे, तुम कैसे मूवी को देखते हो, तुम्हें किस टाइप की जॉनर पसंद है, तुम्हें एक्शन कितना पसंद है, एडवेंचर कितना पसंद है, तुम्हें इमोशनल टच कितना पसंद है, ये सारी चीज सोचने के बाद तुम उतनी उम्मीद रखो मूवी से। मेरी उम्मीद मैंने बता दी भाई मैं ये चीज कर रहा हूं, एक इमोशनल कहानी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन तुम क्या एक्सपेक्ट करो मूवी से कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना आपको जो भी लग रहा हो इस वीडियो के बारे में या फिर आप मूवी के बारे में क्या सोचना है वो कमेंट करना, एंड बहुत ज्यादा ही अच्छा लग गया होगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।